नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वेबसाइट जिस पे आप किसी भी टाइप की ऐप क्रिएट कर सकते हो फ्री में। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट को भी कन्वर्ट कर सकते हो ऐप में। सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम गूगल के होम पेज पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम ऐप का नेम इस पे पुट करेंगे और सर्च करेंगे, ठीक है। ऐप का वेबसाइट खुल के आ गया है, ऐप गैसर इंटर करेंगे, ठीक है। अब हम ऐप के पेज पे आ चुके हैं, डैशबोर्ड पे अभी हम हैं बिकॉज हमने पहले से ही इस पे लॉगिन कर लिया है, पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सो लॉगिन कर लिया है। सो अभी हम व्यू करते हैं पेज को। यहाँ पे स्टार्ट नाउ है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, गेम मेकर, कॉन्टैक्ट फॉर ब्लॉगिंग, ओके। सो डैशबोर्ड पे अभी हम नहीं चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं कैसे ऐप बनाते हैं, ठीक है। द फास्टेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ऐप क्रिएटर फॉर योर ऐप मेकिंग। सो यहाँ पे विदाउट कोडिंग एंड फीस, कोई भी पैसा नहीं लगना है, कोई भी कोडिंग नहीं करनी है, आप फ्री में बिना कोडिंग के ऐप बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐप क्रिएट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल हमने चूज किया है तो इंडिविजुअल पे हम आ चुके हैं। सो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट ऐप टू मोनेटाइज एंड जनरेट ऐप रेवेन्यू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप अपने ऐप को मोनेटाइज कर सकते हो, यानी कि आप पैसा कमा सकते हो मोनेटाइज करके, तो बहुत ही आसान चीज़ है। और क्या क्या किस किस टाइप की ऐप है मैं आपको बताता हूँ। पहला है देखिए वेबसाइट। अगर आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट योर वेबसाइट इनटू मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप में अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। फिर अपना फ्री वीडियो कॉल, सो क्रिएट ऐप विथ वीडियो कॉल एंड चैट, ये कर सकते हो, बना सकते हो फ्री में। क्विज रिलेटेड कोई भी गेम वगैरह आप क्विज कर सकते हो, क्विज ऐप बना सकते हो। गाइड क्रिएट गाइड बुक एप्लीकेशन, यहाँ पे आप कोई भी गाइड बुक एप्लीकेशन बना सकते हो। वॉलपेपर ऐप जो कि फ्री है, ये भी बना सकते हो। उसके बाद आता है बुक रीडर, बुक रीडर कोई भी ऐप ऐसे बना सकते हो जो कि बुक रीडिंग के लिए हो। उसके बाद आता है केस सिमुलेटर, आप केस सिमुलेटर कोई भी ऐसा चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो जो कि गेम ऐप है। उसके बाद मैसेंजर ऐप बना सकते हो, ब्राउज़र ऐप बना सकते हो। मोबाइल में आप देखते हो कि बहुत सारे ब्राउज़र ऐप आजकल हैं, तो आप खुद का अपना एक ब्राउजर ऐप बना सकते हो। और बनाने के बाद में आप चाहो तो इसे प्ले स्टोर पे भी शेयर कर सकते हो, बट प्ले स्टोर कुछ पैसा लेता है आपके ऐप को अपने स्टोर में रखने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आप मीडिया प्लेयर भी बना सकते हो, वीडियो वगैरह अगर प्लेयर करना है, प्लेयर ऐप बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। फोटो एडिटर ऐप बना सकते हो, मोबाइल टीवी ऐप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइंड द पेयर फाइंडिंग ऐप बना सकते हो, गेमिंग ऐप है दैट इज़ वेरी नाइस, HTML वेब ये बना सकते हो, ठीक है। फिर आप देख लो म्यूज़िक है, कलरिंग कोई भी कलर वगैरह, गेम वगैरह, गेमिंग ऐप है ये भी बना सकते हो। मैजिक बॉल ये भी गेमिंग ऐप है, ये बना सकते हो। गेमिंग ऐप बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कुछ भी बहुत सारी ऐप है, आप कोई भी ऐप इसमें बना सकते हो। चलो मैं आपको एक ऐप बना के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट को कैसे कन्वर्ट करना है, इंटर करेंगे वेबसाइट पे, और आज हम एक वेबसाइट इस पे कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है। पहले वेबसाइट हम लिख देते हैं, कोई एक वेबसाइट लेते हैं, ये आ गया, ये वेबसाइट लेता हूँ, www.hotelcareerguide.in, ठीक है, सेव कर देंगे। अभी एक्सट्रैक्ट, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट डेटा, तो ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सब कुछ सारी डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। अब मुझे फीचर्स में क्या क्या ऐड करने हैं, ट्विटर ले लेते हैं, फेसबुक ले लेते हैं, यूट्यूब भी चाहिए मुझे और ब्लॉगिंग भी चाहिए, हमें ये सारे चीज़ें चाहिए, सारे फीचर चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट ब्लॉक टाइप, तो ब्लॉक टाइप सिलेक्ट करना है, जैसा भी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो, वर्डप्रेस यूज़ करते हो वर्डप्रेस कर सकते हो, ब्लॉगर ब्लॉग यूज़ कर सकते हो, टम्बलर आजकल जो चला हुआ है बहुत चल रहा है,
क्रेज़ है काफ़ी इसका। डायरेक्ट लिंक जो भी डायरेक्ट लिंक RSS लिंक आप इस पर कर सकते हो, ठीक है। फिर इंसर्ट लिंक योर ब्लॉग ऐप, तो मैंने यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा यहाँ पे। हाँ, प्राइमरी कलर यहाँ पे चेंज करना है मुझे कलर, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं पिंक, ओके कर देते हैं। ये कलर लेता हूँ डार्क थोड़ा सा, ठीक है, ओके करते हैं। और ये सही है, ब्लू स्काई ब्लू कलर सही है। अच्छा, कस्टमाइज ऐप लेआउट ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हो। ये हमने चूज कर लिया है, ठीक है, स्लाइडर मोड में ये था, और ये बॉटम में ऐसा होगा, तो मैं स्लाइडर मोड लेता हूँ, बहुत ही अच्छा है, जो कि मेरे लिए मेरे समझ से तो अच्छा है, बट आप अगर चूज़ करना चाहो तो आप बॉटम मेन्यू चूज़ कर सकते हो और ये टैब में भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में देखिए आ गया ऐप का नेम, आपको कौन सा नेम रखना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट पे था नेम वो यहाँ पे आ गया है, बट मैं एक छोटा सा नेम लेता हूँ, होटल करियर गाइड, ठीक है, छोटा सा नेम ले लिया मैंने, और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, होटल करियर लिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में ये पूछ रहा है आइकन कौन सा इसमें आप लगाना चाहते हो, तो ठीक है, मैं आइकन अपना खुद का लगाना चाहता हूँ, तो आइकन का जो साइज़ है वो 512x512 होना चाहिए, ठीक है, 512x512 होना चाहिए, तो मैं ये ले लेता हूँ और ये ले लिया। यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है, क्रॉप सेट कर लो और क्रॉप कर दो, उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में क्रिएट बोल रहा है, तो पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है, मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ऐप बन चुका है और ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा यूट्यूब का, ठीक है, ब्लॉगिंग का, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो करेंगे। यूट्यूब पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आता है, चेक करते हैं, तो यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ ऑप्शंस खुल के आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वीडियोस होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, चेज हो जाएगा, जो भी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है, साइट पे जाएंगे और ये तैयार है, ठीक है, क्रिएट कर देंगे। इसमें आप ऐप बनाने के बाद में भी क्रिएट करना चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो आराम से, कोई मॉडिफिकेशन करने में बहुत बड़ा चीज़ें नहीं है इसमें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप देखिए यहाँ पे बगल में देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड कर लोगे, पब्लिश करोगे तो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बताया था कि आप पब्लिश अगर प्ले स्टोर पे करते हो तो गूगल कुछ पैसा लेता है पब्लिश करने का, यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं लगा ऐप बनाने में, बट अगर आप अपनी ऐप को गूगल पर डालना चाहते हो तो वहाँ पर गूगल कुछ पैसा लेगा आपसे, जिसके थ्रू आप अपने ऐप को प्ले स्टोर में शो करा सकते हो और कोई भी वहाँ से आपके ऐप को डाउनलोड कर सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको डाउनलोड करना है, चलिए अभी आपने जो ऐप बनाया है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, ये डाउनलोड ऐप आपको शो कर रहा है, APK फाइल क्लिक करेंगे और ये देखिए दोस्तों ऐप डाउनलोड दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये जनरेट हो रहा है, बुल्डअप हो गया और 100%, ओके, स्कैन QR कोड, ये QR कोड हमारा रेडी है डाउनलोड करने के लिए, इसे हम स्कैन कर लेंगे अपने मोबाइल से और आराम से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम अगर इसे पब्लिश कराना है तो हमें कैसे करना है, प्रीमियम मॉडल भी इनके पास में है बट पब्लिश के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर आपके पास आप पहले से कर रखे हो तो आप यहाँ से ऑलरेडी कर सकते हो, अगर आपको करना है तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए इफ़ यू हैव $25 वंस रजिस्ट्रेशन फी टू क्रिएट गूगल प्ले अकाउंट रेडी टू पब्लिश अनलिमिटेड ऐप बट स्टिल यू हैव क्वेश्चन इशू फील फ्री टू आस्क। आप यहाँ पे $25 में $25 में आप अपनी ऐप को आराम से पब्लिश करा सकते हो, तो यहाँ पे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे और आप वहाँ पे अपने ऐप का नए नेम टाइप ऑफ ऐप अपने ऐप को वहाँ पे
इनकी फाइल में इंटर करोगे, फिर ये पेमेंट मोड आएगा, पेमेंट मोड में जाके आप वहाँ पे पब्लिश करा सकते हो। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए क्या क्या खुल रहा है यहाँ पे, देखिए कैसे पब्लिश करना है, यहाँ पे वीडियो भी दिया है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। तो आप इस वीडियो को देख कर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिएगा और आराम से आप अपने ऐप को पब्लिश करा सकते हो। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीड गूगल प्ले अकाउंट। पहले है कि आपके पास कोई एक गूगल अकाउंट होना चाहिए पब्लिश कराने के लिए, तो एक गूगल अकाउंट होगा, फिर विजिट करोगे उस पर, साइन अप करने के बाद में आप 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे पे करोगे। फिल इन योर अकाउंट डिटेल, अपने अकाउंट डिटेल जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर फिल करना होगा। फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट करने के बाद में 24 आवर तक आपका फुल्ली प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टोर लिस्टिंग गूगल डेवलप अकाउंट। अब स्टोर करना है जैसे कि एक्शन लिस्ट फिल स्टोर लिस्टिंग इन गूगल डेवलपमेंट अकाउंट पे करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लिक क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आप क्या करोगे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग करोगे, टाइटल डालोगे क्या, कौन सा ऐप आपको चाहिए, तो आपका नेम टाइटल क्या होगा, जैसे कि आपके ऐप का नाम है गूगल, तो आप अपनी ऐप का नाम डालोगे गूगल। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कर दोगे। उसके बाद में क्या है, शॉर्टकट डिस्क्रिप्शंस, जो भी डिस्क्रिप्शन ऐप के विषय में आप लिखना चाहते हो कुछ भी, वो आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अब यहाँ पे आपको फुल्ली डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपका ऐप का मॉड्यूल क्या है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये देखो आप यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन इस टाइप का है, यहाँ से उठा के डाल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दे रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए अपलोड शॉर्ट, जैसे कि आप कभी भी ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन्स होती हैं, तो आप ये देखो ऐसे ही शॉर्ट स्क्रीन्स आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और अपने शॉर्ट स्क्रीन इमेजेस को आप आइकन में कन्वर्ट करके इसमें डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप ऑफ कैटेगरीज, किस कैटेगरी का आपका फोटो ब्राउजिंग ऐप है या फिर मीडिया ऐप है, ठीक है कौन सा ऐप है वहाँ पे सेलेक्ट करना है कैटेगरी। फिर योर ओन गैस पर प्राइवेसी, प्राइवेसी एंड पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप फिल्डअप करोगे। ठीक है, फिर सेव एज ड्राफ्ट में करोगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप में आओगे, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऐप रिलीज बटन, लेफ्ट मेन्यू पे एक ऐप रिलीज बटन होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, मैनेज बटन पे जाना है, फिर क्रिएट एंड रिलीज कर देना है। उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में ब्राउज फाइल करेंगे ऐप का, जहाँ पे आपका ऐप, जहाँ पे आपने अपनी फाइल में सेव कर रखा है उस पर करने के बाद में डाउन अपलोड कर लेंगे। अपलोड जब ये हो जाएगा फिर चेंज रिलीज नोट एक आएगा, चेंज रिलीज नोट इस प्रकार का आएगा, उसके बाद सेव करेंगे एंड रिव्यू बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो हम सेव कर देंगे, रिव्यू कर लेंगे फिर सेव करेंगे। उसके बाद में फोर्थ आता है कंटेंट रेटिंग, रेटिंग क्या करना है ऐप का वो आप यहाँ से करना है। देखिए कंटेंट रेटिंग पे क्लिक करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा, फिर रेटिंग आप उसमें कर सकते हो आराम से। ठीक है, रेटिंग चीज़ें कैसी रेट आपको, 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग चीज़ें, क्वेश्चन वगैरह आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। फिर फिल प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन, प्राइस क्या है वहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्ट फ्री है या फिर आप उसका चार्ज कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अवेलेबल, अवेलेबल में आप जाओगे तो यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, फिर यस इट हैज़ ऐड, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैं भी आपको बाद में कुछ चीज़ें बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।